सब्सक्राइब कीजिए बियर क्राफ्टिंग चैनल को, बेल आइकन को क्लिक करें और देखिए फैशन एंड होम मेकिंग वीडियो सबसे पहले। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बियर क्राफ्टिंग में। आज के इस वीडियो में हम स्टाइलिश बोटनेक कुर्ती बनाना सीखेंगे। ये कुर्ती स्लीवलेस होगी हमारी, तो चलिए शुरू करते आज का वीडियो। देखिए यहाँ पे मैंने कॉटन का फैब्रिक लिया है, तो पहले हम अपनी मार्किंग और कटिंग करेंगे, उसके बाद में स्टिचिंग करके दिखाऊंगी। तो देखिए यहाँ पे मैंने कपड़े को दो भागों में फोल्ड कर लिया है। अब फ्रंट और बैक पार्ट की मार्किंग हमें सेम ही रखनी है, क्योंकि ये बोटनेक है तो फ्रंट और बैक पार्ट में हमारा सेम ही होता है। तो सबसे पहले लेंथ लेंगे, तो आप देख सकते हैं ये हमारी वर्क वाली फैब्रिक है, तो यहाँ से जहाँ से वर्क हमारी स्टार्टिंग है वहां से लेके पूरी लेंथ ले ली है मैंने 42 इंच तक। अब यहाँ से शोल्डर का निशान लगाएंगे, शोल्डर है हमारे 7 इंच, 7 इंच पे एक निशान लगा लेंगे। आर्म होल 6.5 इंच पे आर्म होल का निशान लगा लेंगे और इसे मिला देंगे। चेस्ट है हमारी 8 इंच, तो 8 इंच पे एक निशान लगा लेंगे और 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे यहाँ पे सिलाई के लिए, तो एक निशान यहाँ लगा लेंगे। अब शोल्डर से 15 इंच नीचे वेस्ट का निशान लगाएंगे और 20 इंच पे हम हिप का निशान लगाएंगे। वेस्ट है हमारा 7.5 इंच, 7.5 इंच पे एक निशान लगा लेंगे और हिप है 9.5 इंच, तो 9.5 इंच पे एक निशान लगा लेंगे। यहाँ भी 1 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे और इन तीन निशानों को मिला लेंगे। यहाँ पे 1.5 इंच पे एक निशान लगा के आर्म होल शिफ्ट कर लेंगे, ये हमारे बैक पार्ट का है। अब गले की तरफ से हम 4.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे। बोटनेक में गला ब्रॉड होता है तो, और इसकी जो गहराई है वो 2.5 इंच रखेंगे। अब इसे शेप कर लेंगे राउंड शेप में। तो देखिए हमारी मार्किंग हो गई, अब हम इसको कट कर लेंगे। तो देखिए बैक पार्ट की कटिंग कर ली हमने, अब हम अपने फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो ये बैक पार्ट वाला हिस्सा रख के और हम फ्रंट पार्ट की कटिंग कर लेंगे। बस ये जो हमारा आर्म होल है ये 1.5 इंच की जगह 1/2 इंच रख के इसको शेप करना है। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि 1 मीटर में हम ये स्टाइलिश कुर्ती बना रहे हैं, तो बस यही हमारा कपड़ा जो बचा हुआ है इसमें हमें फ्रंट पार्ट की कटिंग करनी है। तो इसे फोल्ड करके और इसके ऊपर दूसरा वाला पीस रखेंगे और इसको हम कट कर लेंगे। तो देखिए हमारे बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई, अब हम इसको स्टिच करेंगे। तो सबसे पहले अपनी गले की सिलाई लगाएंगे। तो देखिए पहले हम गले की फिनिशिंग करेंगे। यहाँ पे मैंने 1.5 इंच की उरेप पट्टी काट रखी है, इसको मैंने सीधे साइड की तरफ से रखा है और फिर हम अपनी सिलाई लगाएंगे। तो देखिए उरेप पट्टी की सिलाई लगाने के बाद यहाँ पे हम गले पे छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे और कट्स लगा के इसे उल्टे साइड ऐसे पलट के और फिर हम इसको पाइपिंग का लुक देंगे। देखिए पहले पट्टी को फोल्ड करके यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे किनारे पे। तो देखिए पट्टी को हाफ फोल्ड करके अंदर की तरफ ऐसे सिलाई लगा ली हमने। अब इसे दोबारा से ऐसे फोल्ड करेंगे और ऊपर की तरफ ये हमारा पाइपिंग का लुक आएगा। किनारे पे बिल्कुल हम सिलाई लगाकर इसको फिनिश कर लेंगे। तो देखिए गले की फिनिशिंग कर ली है हमने, आप देख सकते हैं। अब इसी तरीके से आर्म होल को भी फिनिश कर लेंगे सेम कलर की पाइपिंग लगा के। तो हमारे गले की फिनिशिंग हो गई है और यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे मैंने आर्म होल को भी फिनिश कर लिया है, क्योंकि ये स्लीवलेस कुर्ती है
तो इसमें स्लीव अटैच नहीं करना है। तो यहाँ पे हमने आर्मर को फिनिश कर लिया है पाइपिंग लगा के। तो अब बैक पार्ट में भी हम इसी तरीके से आर्मर की और गले की फिनिशिंग लगा लेंगे। बैक और फ्रंट पार्ट में देखिए आर्मर और गले की फिनिशिंग हो गई है। अब इसे एक साथ यहाँ पे मैच करके शोल्डर अटैच कर लेंगे हम। उसके बाद साइड में सिलाई लगाएंगे। तो देखिए अब हम अपनी साइड में सिलाई लगाएंगे। तो आर्म होल से लेके हिप तक हम अपनी फिटिंग के हिसाब से सिलाई लगा लेंगे जो हमने निशान लगाया उस पे। तो देखिए हमने दोनों साइड सिलाई लगा ली अपनी। अब हम नीचे की तरफ फिनिशिंग करेंगे यहाँ पे किनारे पे। तो यहाँ पे मैं ग्रीन कलर की पाइपिंग दूंगी और फिर इसे फिनिश करूंगी। तो देखिए साइड में हमने यहाँ पे एक इंच की स्ट्रेट पट्टी यहाँ पे स्टिच कर ली है। अभी से हम अपनी पाइपिंग बनाएंगे। तो इसको इस तरीके से उल्टे साइड में फोल्ड कर लेंगे डबल हाफ इंच और ये हमारी पाइपिंग बन के आएगी किनारे में। तो देखिए कुर्ती के दोनों साइड हमने यहाँ पे साइड में पाइपिंग लगा के इसको फिनिश कर लिया है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें पाइपिंग का लुक आ रहा है। तो हमारी कुर्ती बनकर तैयार है। आपने देखा 1 मीटर में किस तरीके से हमने स्टाइलिश कुर्ती बनाई। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।